स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए बेटा, हम लेसन 24 मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र से मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जो रक्त है उसका दो बार परिभ्रमण होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो अब देखिए यहाँ पे होता किस तरीके से है। हमने हृदय की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो हृदय की स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि हमारा शरीर चतुर प्रकोष्ठी है, अर्थात इसके अंदर चार कोष्ठ होते हैं। अब चार कोष्ठ कौन से होते हैं कि दो तो इसके अंदर आलिंद होते हैं और दो क्या होते हैं इसके अंदर नीले। एक बायां आलिंद होता है, दूसरा दायां आलिंद होता है। एक बायां नीले होता है, दूसरा कौन सा होता है? दायां नीले। देखिए बेटा, बायां आलिंद होता है, इसके अंदर हमेशा शुद्ध रुधिर होता है। हमेशा कैसा रुधिर होता है? शुद्ध रुधिर। और दाएं आलिंद के अंदर हमेशा ही कैसा रुधिर रहता है? अशुद्ध रुधिर। कैसा रुधिर रहेगा? अशुद्ध रुधिर। बाएं आलिंद से शुद्ध रुधिर बाएं नीले में जाता है, और बाएं नीले से महाधमनी से होता हुआ कहां पर जाता है? शरीर के विभिन्न अंगों में। जब शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है तो जो रुधिर है उसके अंदर ऑक्सीजन थी, तो जो हमारी महाधमनी होती है उनके अंदर, मैंने जब आपको धमनी और शिरा पढ़ाया था तो हमने कहा था भाई धमनियों के अंदर तो कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है। और जो शिराएं हैं उनके अंदर कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर। तो जब महाधमनी बाय नीले से शुद्ध रुधिर को लेकर के जब शरीर के अंगों में जाती है, उत्तकों में जाती है, तो वहां उत्तकों के अंदर क्या है? पोषक पदार्थ है। तो इन पोषक पदार्थों का ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने के पश्चात किसका निर्माण हो जाता है? CO2 का। तो ऐसी स्थिति में जो धमनियां हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और वहां पर जो शिराएं हैं उनके अंदर फिर जो CO2 का निर्माण हो रहा था, यानी कि रुधिर के द्वारा क्या जुड़ गई वहां पर? CO2 जुड़ जाएगी, और CO2 जुड़ करके ये जो रुधिर है वो कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। और फिर ये अशुद्ध रुधिर उदर महाशिरा और निम्न महाशिरा के द्वारा कहाँ पर लाया जाएगा? दाएं आलिंद में। फिर इस दाएं आलिंद से जो रुधिर है वो कहाँ पर आएगा? दाएं नीले में आएगा, और दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ पर ले जाया जाएगा? वापस फुफ्फुसों फेफड़ों के अंदर ले जाया जाएगा, और वहाँ पर CO2 को फेफड़ों से शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, और रुधिर के अंदर क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन मिल जाती है। तो एक बार हृदय की स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग कि हमारे शरीर में दो आलिंद थे, एक बायां आलिंद था, दूसरा कौन सा था? दायां आलिंद था। बाएं आलिंद के नीचे बायां नीले स्थित होता है, दाएं आलिंद के नीचे क्या स्थित होता है? दायां नीले। बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में, या फिर आलिंद और नीलों के बीच में अंतर आलिंद नीलई पट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंतर आलिंद नीलई पट। और दोनों नीलों के मध्य में भी एक पट होता है जिसे हम कहते हैं अंतर निलयी पट। क्या कहेंगे उसको? अंतर निलयी पट, यानी कि आलिंद और नीलों के बीच में जो पट स्थित है उसे तो हम क्या कह रहे थे? आलिंद निलय पट। और दोनों नीलों के बीच में जो पट है उसको हम क्या कहेंगे? अंतर निलयी पट। अब यहाँ पर देखो बेटा, जो बायां आलिंद है और बाएं नीले है, इनमें जो पट पाया जाता है वहां पर कपाट पाए जाते हैं। इन कपाटों को कहते हैं द्विवलन कपाट या बाइकैस्पिड वाल्व। क्या कहेंगे इनको? द्विवलन कपाट या बाइकैस्पिड वाल्व। दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य जो कपाट पाए जाते हैं उनको कहते हैं त्रिवलन कपाट, या इनको कहते हैं ट्राइकैस्पिड वाल्व। क्या कहेंगे इनको? ट्राइकैस्पिड वाल्व। तो जब यहाँ से इधर देखो, जो फेफड़े हैं फेफड़ों में, अब हमने कहा था कि भाई शिराओं के अंदर तो अशुद्ध रुधिर बहता है और धमनियों के अंदर कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर। लेकिन हमने बताया था कि अपवाद बताया था कि एक फुफ्फुस धमनी ऐसी है जिसमें कि रुधिर कैसा बहता है? अशुद्ध बहता है। और फुफ्फुस शिरा एक ऐसी है जिसमें कि रुधिर कैसा बहता है? शुद्ध बहता है। जबकि नॉर्मली शिराओं में जितनी भी शिराएं हमारे शरीर के अंदर, उनमें रुधिर कैसा बहता है? अशुद्ध बहता है। केवल फुफ्फुसीय सिराई एक ऐसी है जिसके अंदर कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है। जितनी भी शरीर के अंदर धमनियां हैं उनके अंदर रुधिर कैसा बहेगा? शुद्ध बहेगा। लेकिन फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसके अंदर रुधिर कैसा बहता है? अशुद्ध बहता है। तो ये जो फुफ्फुस सिरा है ये फेफड़ों से संलग्न रहती है, उसे जुड़ी हुई रहती है। तो फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा जब फेफड़ों से जो उसके अंदर जब ऑक्सीजन आ रही थी तो वो ऑक्सीजन रुधिर के अंदर मिल जाती है, और फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा उस शुद्ध रुधिर को, यानी कि ऑक्सीजन मिले हुए रुधिर को हम क्या कह रहे थे? उसको ऑक्सीजनित रुधिर कह रहे थे। उस ऑक्सीजनित रुधिर को फुफ्फुस सिरा के द्वारा कहाँ पर लाया जा रहा है? बाएं आलिंद में। कहाँ लाया जाएगा? बाएं आलिंद में। फिर इस बाएं आलिंद में जब ये फुलफिल हो जाएगा, ब्लड से भर जाएगा, तो ये द्विवलन कपाट है ये यहाँ से खुल जाएंगे, और रुधिर यहाँ से बाएं आलिंद से कहाँ पर आ जाएगा? बाएं नीले में। बाया नीले जब यहाँ से रुधिर से फुल भर जाएगा तो यहाँ से बाएं नीले से महाधमनी जुड़ी हुई रहती है।
क्योंकि यहाँ से हमने इसको महाधमनी को जोड़ रखा है। तो इस महाधमनी पर यहाँ अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। तो हमने ये भी आपको बताया था कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, जबकि शिराओं के अंदर क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। तो इस महाधमनी पर कौन से कपाट पाए जा रहे हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। तो जैसे ही नीले रुधिर से फूल भर जाते हैं, ये अर्धचंद्राकार कपाट यहाँ पर जो पाए जाएंगे वो यहाँ से क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे और महाधमनी के द्वारा रुधिर कहाँ पर चल जाएगा? शरीर के प्रत्येक अंगों में। माना कि यहाँ से रुधिर है, अब पहले रुधिर कैसे आया? इस तरीके से यहाँ से रुधिर आ रहा है, ये फेफड़ों से रुधिर आया बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से कहाँ पर आया? बाएं नीले में, और बाएं नीले से रुधिर कहाँ पर जा रहा है? महाधमनी में, और महाधमनी से कहाँ पर जा रहा है? शरीर के अंगों में। अब माना कि ये सारे शरीर के अंग है, नीचे की साइड क्या है? शरीर के अंग। जब ये इन अंगों में आएगा तो महाधमनी से होता हुआ आ रहा है, अब महाधमनी उस शुद्ध रुधिर को कहाँ पर दे देगी? शरीर के उत्तकों में। कहाँ दे देगी? शरीर के उत्तकों में। जब शरीर के उत्तकों में दे देगी तो जो ऑक्सीजन है उसको शरीर के जो कोशिकाएं वो ग्रहण कर लेंगी, और पोषक पदार्थों का उसका क्या करेगी? ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीजन की तो धमनियों में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और CO2 की शिराओं के अंदर क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो गई और CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो शिराओं के अंदर जो रुधिर है CO2 से संलग्न रुधिर रहेगा, तो ऐसे रुधिर को हम क्या कहते हैं? विऑक्सीजनित रुधिर। क्या कहेंगे उसको? विऑक्सीजनित रुधिर। तो उत्तकों से जो विऑक्सीजनित रुधिर था या अशुद्ध रुधिर था, वो उत्तकों से इस रुधिर को उदर महाशिरा और निम्न महाशिरा के द्वारा यहाँ से, अब देखिए ये शरीर की यहाँ से आ रहा है ये रुधिर, तो ये उदर महाशिरा और निम्न महाशिरा के द्वारा कहाँ पर लाया जाएगा? दाएं आलिंद में। कहाँ लाया जा रहा है? दाएं आलिंद में। अब देखिए बेटा, उत्तकों से कैसे रुधिर आ रहा है? अशुद्ध रुधिर। तो जब ये अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में आ रहा है, तो बाएं आलिंद में तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा शुद्ध रुधिर आ रहा था, जबकि दाएं आलिंद में रुधिर कैसा आ रहा है? अशुद्ध आ रहा है। तो यहाँ से ये रुधिर इसके अंदर प्रवेश किया, तो ये जो रुधिर है, अब ये जब दाएं आलिंद अशुद्ध रुधिर से भर जाएगा, देखिए बेटा ये लगातार क्रिया होती है, जब बाएं आलिंद में क्रिया होती रहती है उसी टाइम दाएं आलिंद में क्रिया होती रहेगी। ये दोनों का अलग अलग काल है भाई, हम बता एक साथ दोनों को नहीं पाते हैं, इसलिए हमको अलग अलग बताना पड़ता है। लेकिन जैसे ही जब फेफड़ों से रुधिर बाएं आलिंद में लाया जाता है, उसी समय शरीर के उत्तकों से रुधिर कहाँ पर लाया जाता है? दाएं आलिंद में। तो यहाँ पर अशुद्ध रुधिर आ गया। अब जब ये अशुद्ध रुधिर से फूल भर जाएंगे तो जो ट्राइकैस्पिड वाल्व थे वो यहाँ से क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे, और खुलने के पश्चात जो अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ पर आ जाएगा? दाएं नीले में। कहाँ पर आ जाएगा? दाएं नीले में। फिर इस दाएं नीले के द्वारा यहाँ जो फुफ्फुसीय धमनी थी, ये कौन सी धमनी है? फुफ्फुसीय धमनी, जिसमें कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर। तो इस फुफ्फुसीय धमनी पर भी अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, तो वो कपाट यहाँ से खुल जाएंगे और यहाँ जो रुधिर अशुद्ध रुधिर आया था, अब ये रुधिर इस फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा वापस कहाँ पर ले जाया जाएगा? फेफड़ों के अंदर। तो फेफड़ों के अंदर ले जाया गया, तो वहाँ पर CO2 तो शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी और O2 उसके अंदर क्या हो जाएगी? मिश्रित कर दी जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भाई हमारे शरीर के अंदर रुधिर का जो भ्रमण है वो कितनी बार हो रहा है? दो बार हो रहा है, यानी कि परिवहन कितने बार हो रहा है? दो बार। एक बार बाएं आलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से शरीर के अंगों में, दूसरी बार अंगों से दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से फेफड़ों में। तो इस तरीके से दो बार रक्त का परिवहन होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ हमने डायग्राम के थ्रू इसको समझा है, इसके बाद जो थ्योरी वाला टॉपिक है उसको मैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी।